अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में एक ही बॉय है, सबसे पहले बैठा था, उसके बाद खड़ा होने लगा स्टैंड अप, उसके बाद बिल्कुल सीधा स्टेट में खड़ा हो गया। मतलब पहले बैठा हुआ था, फिर उठने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद ये एकदम बिल्कुल खड़ा हो चुका है, इसके बाद ये चलना प्रारंभ। ठीक है, सबसे पहले ये बैठा हुआ था, फिर उसके बाद उठने की कोशिश करने लगा ट्राई, फिर उसके बाद ये उठ गया, मतलब इसके बाद ये चलेगा। तुम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। पहला वाला ऑप्शन देखेंगे, इसका बिल्कुल शेप ही अलग है, डायरेक्शन। दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे, ये हमारा परफेक्ट बैठे है, क्योंकि सबसे पहले बैठा हुआ था, फिर उसके बाद खड़ा होने की कोशिश करने लगा, फिर खड़ा हुआ, उसके बाद चलेगा। ठीक, ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे आप कि हमारे पास तीन शेप है। ठीक, पहला शेप हमारा किस टाइप है, एक इधर स्क्वायर है हमारा और यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। और दूसरे नंबर पे आता है, एक यहाँ पे स्क्वायर है और एक यहाँ पे सर्कल है। फिर लेफ्ट साइड में एक सर्कल है और यहाँ पे एक स्क्वायर है। ठीक, फिर फोर्थ वाले ऑप्शन का हमें ढूंढना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन इस करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखते हैं पहले वाले में क्या, हमारा एक स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा एक सर्कल है। ठीक, ये बिल्कुल क्रॉस में है। फिर यहाँ पे देखिए, इसके बिल्कुल अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर था वो इस साइड आ गया और यहाँ का सर्कल यहाँ पे आ गया, बस कुछ इस साइड का डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो गया इसमें। ठीक, इसको ये देखिए, यहाँ पे हमारा एक सर्कल है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका भी हम अपोजिट कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर जाएगा वो सर्कल, और यहाँ पे स्क्वायर जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हम देखेंगे, हमारे पास पहला ऑप्शन है, इसमें एक ट्रायंगल है, मतलब तीन स्ट्रेट लाइन वाला एक ट्रायंगल है, एक ये लाइन, एक ये और ये, तीन स्ट्रेट लाइन है इसमें। ठीक, और बीच में एक प्लस का सिंबल है। दूसरे वाले देखेंगे हम, एक स्क्वायर है हमारे पास चार स्ट्रेट लाइन वाला, एक दो तीन ये चार। ठीक, और बीच में एक प्लस का सिंबल है। तीसरे बारे में देखेंगे हम, हमारे पास एक पेंटागन है, मतलब फाइव स्ट्रेट लाइन वाला, एक दो तीन चार ये पाँच। जब पहले वाले में देखेंगे हम, तीन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, चौथे वाले में दूसरे वाले में चार है और तीसरे वाले पांच है, छठे वाले हमारे पास छह लाइन वाला एक फिगर होगा। ठीक, यहाँ पास तीन लाइन वाला फिगर था, इधर चार लाइन वाला, इधर पांच लाइन वाला, इधर छह लाइन वाला, तो हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, एक दो तीन चार, चार स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये रॉन्ग है हमारा, हमें छह लाइन वाला चाहिए स्ट्रेट लाइन वाला। दूसरा वाला देखेंगे हम, इसमें एक दो तीन चार पाँच, ये भी रॉन्ग। फिर आएंगे तीसरे वाले पे, एक दो तीन चार पाँच और छः। ठीक, ये वाला हमारा करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन। देखिए इसमें भी छः लाइन है, एक दो तीन चार ये पाँच है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, एक दो तीन चार पाँच, हमें छः लाइन वाला एक फिगर चाहिए था, तो हमारा तीसरे वाला ऑप्शन इस करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम, हमारे पास चार फिगर, तीन फिगर है। ठीक, देखिए पहले फिगर को हम देखेंगे, इसमें हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है और इसके बिल्कुल स्ट्रेट में हमारे पास दो सर्कल है। ठीक, इस तरह से एक क्रॉस है,
यहाँ सर्कल है, एक यहाँ सर्कल है। अब देखिए ये जो हमारा सर्कल है बिल्कुल स्ट्रेट में है, मतलब यहाँ पे है, ठीक। फिर दूसरे वाले आएंगे हम फिगर पे, तो इसमें देखिए लेफ्ट साइड में रोटेट हो गया है, घूम गया है मतलब, तो ये इधर पे आ गया। ये देखिए जो स्ट्रेट में था ना वो रोटेट हो गए, लेफ्ट में आ गया, मतलब यहाँ पे। फिर तीसरे वाले ऑप्शन में आएंगे तो देखेंगे ये हमारा नीचे की ओर आ गया, जो ये वाला पार्ट था ना वो यहाँ आ गया। ये देखिए जो यहाँ पे था वो इधर आ गया, ठीक। सबसे तो पहले स्टेट में था, फिर लेफ्ट की साइड रोटेट हुआ, फिर लेफ्ट से नीचे की साइड रोटेट हुआ, फिर नीचे से फिर राइट राइट साइड रोटेट होगा, मतलब इस साइड में, इस साइड में रोटेट होगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर था स्टेट में, फिर लेफ्ट में हुआ, फिर नीचे साइड हुआ, तो अब मतलब राइट, सबसे पहले स्टेट में था, फिर राइट में रोटेट हुआ, फिर नीचे की साइड, तो अब लेफ्ट में रोटेट होगा। तो हमें ऐसा फिगर ढूंढना है, आंसर फिगर में से जो हमारा लेफ्ट साइड में रोटेट हो। तो पहला वाला फिगर देखेंगे ये हमारा नहीं हो सकता, दूसरा वाला देखेंगे ये भी रॉन्ग है हमारा, लेकिन जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसको आप अच्छे से देखिए। देखिए इसमें स्टेट में था, फिर राइट में हुआ, फिर नीचे हुआ, फिर राइट में होगा। तीसरा वाला ऑप्शन देखिए हमारा बिल्कुल राइट में रोटेट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक। तो ये हमारा 27 बनता है। इसके बाद आते हैं 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे आप। देखिए इसमें हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, और यहाँ पे एक सर्कल है जो कि डार्क है, ठीक। और यहाँ पे एक बाय टाइप का सिंबल है, ठीक। फिर हम दूसरे वाले, वो बीच में क्या है, प्लस का निशान, ठीक। फिर आएंगे हम दूसरे वाले ऑप्शन पे, तो दूसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे हम कि इसमें जो हमारा ये सिंबल है ना, वो अपने एक ही स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से देखिए आप, इससे पहले नंबर पे क्या था हमारा, सर्कल था, दूसरे पे ट्राइंगल, तीसरे पे था हमारा सर्कल था लेकिन डार्क सर्कल था, और चौथे वाले पे बाय का सिंबल, ठीक। जब हम दूसरे वाले फिगर पे आए तो इसमें एक ही स्टेप आगे बढ़ चुका रही, ये वाला सर्कल यहाँ पे आ गया, ठीक। वो यहाँ का जो सर्कल है वो नीचे आ चुका है, ये देखिए, और यहाँ का ट्राइंगल यहाँ आ गया, और यहाँ का जो डार्क सर्कल है वो इस साइड चला गया, और यहाँ का वाई यहाँ पे आ गया, मतलब सारे सिंबल एक एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, ठीक। इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और जो बीच में निशान है ना इसको चेंज कर दिया, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे इंटू कर दिया। फिर तीसरे वाले में हुआ है, फिर इसमें जो जो सिंबल है वो एक स्टेप आगे चले गए हमारे, ठीक। एक स्टेप यहाँ का जो वाई है ना वो यहाँ पे आएगा, यहाँ का सर्कल यहाँ पे, यहाँ का ट्राइंगल यहाँ पे, और यहाँ का डार्क ट्राइंगल यहाँ पे, वो यहाँ पे जो अंदर का है वो भी चेंज हो जाएगा, पहले प्लस था फिर इंटू का फिर प्लस। तो आप इसमें भी बना सकते हैं बिल्कुल सेम, इसमें क्या हो सकता है, ये बना पहले अंदर का बनाते थे, इसमें प्लस था, इसमें इंटू हुआ, फिर प्लस हुआ, तो फिर इंटू होगा, ठीक। ये और सभी सिंबल हमारे एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं, तो ये वाला जो सर्कल है वो हम यहाँ कर लेंगे, ठीक। यहाँ का वाई है वो हम यहाँ कर लेंगे, ठीक। और यहाँ का जो हमारा सर्कल है वो हम यहाँ कर लेंगे, और यहाँ का ट्राइंगल इधर पे, तो हमें इस टाइप का एक शेप चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सभी जो सिंबल है ना हमारे कॉर्नर के, वो एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं सभी फिगर में, और जो बीच का है ना वो अभी नंबर अपोजिट हो रहा है, पहले प्लस था फिर इंटू हुआ फिर प्लस फिर इंटू, इस तरह से। तो हमें ये वाला फिगर आंसर फिगर में से ढूंढना है। देखिए पहला वाला फिगर देखिए, हमारा पहला वाला फिगर, पहला वाला फिगर हमारा मैच नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें कॉर्नर के तो हमारे सिंबल मैच हो रहा है, लेकिन जो हमारा बीच में है ना वो नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें प्लस है और यहाँ पे इंटू था। दूसरा वाला देखेंगे ये भी नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पे वाई है, यहाँ पे ट्राइंगल होना चाहिए था। फिर तीसरे वाला ऑप्शन पे आएंगे, देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ट्राइंगल मैच हो रहा है हमारा, फिर डार्क सर्कल वो भी मैच हो रहा है, तीसरे नंबर पे वाई है ये भी मैच हो रहा है, फिर सर्कल ये भी मैच हो रहा है, और मिडल में हमारा इंटू भी मैच हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे।
क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे एक प्लस का निशान है और इसके जस्ट क्रॉस में हमारा एक इंटू का निशान है। ठीक, सबसे पहले प्लस का निशान है, फिर हमारा इंटू का निशान है। तो देखिए आप, ये इस टाइप से है, मतलब एक ऐसे चल रहा है, ये ऐसे में है, फिर देखिए रोटेट हो रहा है, रोटेट। जो पहले ऐसे में था, इस कॉर्नर नीचे के लेफ्ट कॉर्नर से ऊपर के राइट कॉर्नर पे था, मतलब इस टाइप से। ये देखिए ऊपर की साइड जा रहा है, फिर ये कैसा हो गया, बिल्कुल इस साइड हो गया। दूसरे वाले में देखिए ये रोटेट हो गया, थोड़ा सा घूम गया, यहाँ से ये इस कॉर्नर पे आ गया। यूँ समझ लीजिए कि एक एक स्टेप आगे चला गया, आप ये अपनी एक स्टेप आगे, ये वाला प्लस इस इधर आ जाएगा और यहाँ का ये इधर आ जाएगा, मतलब हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। देखिए ये वाला प्लस इस पे आ गया और ये वाला इंटू इधर आ गया। हम तीसरे वाले पे अगर फिर एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, ये वाला इंटू हम यहाँ कर देंगे और जो ये वाला प्लस है ना वो यहाँ कर देंगे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे हम, यहाँ का इंटू हम यहाँ का प्लस हम यहाँ कर देंगे, यहाँ का इंटू यहाँ पे, मतलब इस टाइप का फिगर चाहिए हमें। जो जो हमारे सिंबल है ना, हमने उनको एक स्टेप आगे बढ़ाते आ रहे हैं सभी फिगर में। इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अब देखते हैं इसमें हमारा कौन सा है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, रॉन्ग है। दूसरा वाला हमारा, ये कौन सा हमारा 28 है ना, तो दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे, ये भी हमारा रॉन्ग। ये वाला हमारा करेक्ट है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट, ठीक। ये वाला ऑप्शन हमारा फिर बैठेगा, क्योंकि ये हमारा इस कॉर्नर पे हमारा इंटू है और यहाँ पे हमारा प्लस है। ठीक, हमने इसमें कुछ नहीं किया, सभी फिगर में एक एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है, सभी सिंबल को एक एक स्टेप आगे। इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इजी है। इसमें देखिए ये वाला एक शेप बना है जिसमें एक इस टाइप से हमारा फिगर है, ये एक टाइप से ये एक है। दूसरे वाले में देखिए ये तीन हो गए, मतलब पहले वाले में एक है, दूसरे वाले में ये तीन हो गए, फिर तीसरे वाले में देखेंगे हम कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए। मतलब ये किस तरह से बढ़ रहा है, दो दो बढ़ रहा है, पहले में एक था, दूसरे में तीन हो गए, तीसरे में पाँच हो गए, मतलब एक तीन पाँच, तो इसमें कितने होंगे, सात। तो हम इसको बना देते हैं इस टाइप से, ये इसको डार्क कर दिया, और यहाँ पे हमारे कितने हैं, पांच, एक दो तीन चार पांच छः सात है ना, इसमें पांच है तो इसमें सात हो गई। देखिए पहले वाले में था एक, दूसरे वाले में तीन हो गए, तीसरे वाले में पांच हो गए, तो इसमें सात होंगे। तो हमें सात लाइन वाला ही ढूंढना है। तो पहले वाला देखेंगे, इसमें हमारे पाँच हैं, ये रॉन्ग। दूसरे वाले में चार हैं, ये भी रॉन्ग। तीसरे वाले में कितने हैं हमारे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 पे, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखिए पहले वाले में क्या है, तीन शेप है हमारे पास, एक स्क्वायर है, दूसरे सर्कल है, तीसरा ट्राइंगल है। ठीक, पहले सर्कल है, दूसरा ट्राइंगल है, दूसरे पहला स्क्वायर है, दूसरा सर्कल है, और तीसरा एक ट्राइंगल है। ठीक, तो इसकी हम डायरेक्शन देखेंगे, कहाँ है, बिल्कुल नीचे की साइड है,
ऊपर से नीचे की ओर इस टाइप से। ये देखिए, ये ऊपर से नीचे की ओर है, ठीक, ऊपर से नीचे की। कलर देखेंगे, पहले वाला बिल्कुल कुछ फील नहीं है उसमें, इन डार्क है। ये वाला भी नहीं है, तीसरे वाला देखिए डार्कनेस है बिल्कुल। दो ब्लैक एंड है, कुछ नहीं है बिल्कुल दोनों शेप में, लेकिन तीसरे वाले में है। फिर दूसरे वाले देखिए, ये हमारा रोटेट हो गया, ठीक, जो हमारा बिल्कुल नीचे था वो हमारा लेफ्ट साइड में रोटेट हो गया, और शेप बिल्कुल वही है, लेकिन जो कलर है वो हमारा, ये देखिए, इसमें पहला वाला डार्कनेस था, इसमें अब दूसरा वाला हो गया, ठीक। फिर हम तीसरे वाला देखिए, ये हमारा स्ट्रेट क्यों रोटेट हो गया, ये हमारा इधर था नीचे, फिर ये लेफ्ट में हुआ, फिर ये सीधा हो गया रोटेट, और इसके कलर के भी स्टेप एक आगे, जो हमारे डार्कनेस वाले कलर हैं वो भी एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले वाले पहले नंबर पे था, दूसरे वाले हम दूसरे पे, तीसरे वाले हम तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक। तो चौथे वाले फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, पहले वाले पहले था, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरे पे आएगा, चौथे वाले में फिर पहला हो जाएगा, मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा और रोटेट हो जाएगा। ये नीचे रोटेट हुआ था, ये लेफ्ट में हो गया, ये फिर स्टेट में हो गया, तो ये वाला राइट साइड में होगा, और इसमें कलर भी हमारा एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ये लास्ट में था ना, तो ये फर्स्ट पे जाएगा, इस टाइप से। ये हमारा डार्कनेस वाला, दूसरा हमारा सर्कल, तीसरा हमारा स्क्वायर, ठीक, सही नहीं बना लेकिन जनरली बना लेते हैं इस टाइप से, ठीक। तो हमें ऐसा शेप ढूंढना है, पहला वाला तुम देखेंगे इसकी डायरेक्शन ही गलत है, दूसरे वाला डायरेक्शन सही है लेकिन इसका कलर फील नहीं है पहले वाले में, तीसरे वाला इसमें भी कलर फील नहीं है, ये भी नहीं है, चौथा वाला ऑप्शन हमारा परफेक्ट है। देखिए, इसकी डायरेक्शन भी हमारी राइट साइड में है और हमारे पहले वाले में कलर फील है, ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे देखिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे हम देखेंगे, देखिए हमारे पास फिगर है, एक सर्कल है हमारे पास, और इसमें हमारे कितने पार्ट्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः पार्ट्स हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं हमारे, छः पार्ट्स हैं। इसमें आप देखिए कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 32 पे देख, ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखिए, जो हमारा पहला वाला फिगर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32 है हमारा। देखिए, ये वाला जो क्रॉस है पहले वाले में, इधर एक क्रॉस है और यहाँ पे एक डार्क वाला भरा हुआ है, ठीक, तो ये वाला क्रॉस हमारा दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे आ गया, ये वाला इस साइड आ गया, मतलब जो हमारा क्रॉस है वो एक स्टेप आगे बढ़ रहा है और ये वाला हमारा एक स्टेप पीछे हो रहा है, ठीक। देखिए, ये वाला यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे आ गया, एक स्टेप आगे बढ़ गया, वो एक स्टेप पीछे बढ़ गया, ये बढ़ गया। फिर नेक्स्ट वाले में भी यही होगा, क्रॉस हमारा एक स्टेप आगे बढ़ेगा और डार्कनेस के स्टेप पीछे बढ़ेगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, ये इस साइड, ये देखिए यहाँ पे आ गए और यहाँ पे, फिर इसमें एक स्टेप ये पीछे बढ़ेगा और ये आ गए, ठीक है, बना के देखते हैं। ठीक, ये हमारा यहाँ पे है, मतलब अभी क्रॉस, तो हमें ये यहाँ पे बढ़ा देंगे एक स्टेप आगे और इस वाले को एक स्टेप पीछे कर देंगे, तो मतलब इस टाइप का शेप बनना चाहिए हमारा, ठीक। क्रॉस हमारा एक स्टेप आगे बढ़ रहा है और जो डार्क वाला पार्ट है वो एक स्टेप पीछे हो रहा है, ठीक। इसमें देखिए, ये वाला पार्ट उड़ते हैं, पहला वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए, यहाँ वाला यहाँ पे क्रॉस का सिंबल और यहाँ पे एक डार्क वाला पार्ट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में जो हमारा एरो है वो बिल्कुल ऊपर साइड लेफ्ट कॉर्नर पे है, ठीक। फिर दूसरे वाले में ये हमारा बिल्कुल मिड सेंटर में हो जाता है, फिर उसके बाद ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर पे हो जाता है, तो मतलब चौथा वाला हमारा इस टाइप से होगा, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक। जब पहला वाला हमारा नीचे
लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, फिर हमारे ये राइट में हो जाता है, फिर ये हमारा लेफ्ट में हो जाता है, ठीक। तो ये वाला कॉर्नर हमारा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन देखेंगे ये इनकरेक्ट है हमारा, दूसरा वाला इनकरेक्ट, तीसरा भी इनकरेक्ट, चौथा वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। इसी बात है हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पहले वाले पे अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, मतलब एक पार्ट है हमारे पास डिब्बे का, दूसरे वाले में दो हो जाते हैं, लेकिन ध्यान देना कि इसमें डार्कनेस है, एल टाइप में बन चुका है ये, सबसे तो पहले इस टाइप में था, दूसरे वाले में ऐसे हो गया, एल बन गया, ठीक। तीसरे वाले में फिर एक पार्ट पड़ जाता है जो कि डार्क नहीं होता है, मतलब पहला वाला देखिए ये था डार्क नहीं है, दूसरे वाले में इसमें डार्कनेस पार्ट बढ़ जाता है एल टाइप में, ठीक। तीसरे वाले में फिर ये वाला पार्ट बढ़ जाता है इन डार्क। तो देखिए पहले वाले में एक है, दूसरे में दो है और तीसरे में तीन है। पहले वाले में डार्क नहीं है, फिर दूसरे वाले में डार्क आ जाता है, तीसरे वाले में फिर डार्क नहीं, चौथे वाला हमारा डार्कनेस होगा और भी एल टाइप में, इस टाइप से। देखिए पहला हमारा इस टाइप में है, दूसरा वाले फिगर में इस टाइप से बन गया, तीसरे वाले में ये वाला पार्ट बन गया, तो चौथे वाले में फिर से ये रिपीट हो जाएगा एल टाइप में, ये हमारे डार्कनेस रहेंगे, ठीक। तो ये वाला हमें ढूंढना है। देखिए पहला वाला देखेंगे ये रॉन्ग साइड में क्रॉस, दूसरा वाला ऑप्शन देखेंगे ये हमारा करेक्ट है। देखिए पहला इन डार्क, दूसरा वाला डार्कनेस से एल टाइप में, तीसरे वाला फिर इन डार्क, चौथा वाला फिर डार्क, अपोजिट चल रहे हैं, पहले ये फिर एल बन गया, फिर ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक। इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे देखिए आप कि हमारे पास सर्कल है, बीच में ये छह पार्ट में डिवाइड है हमारा सात में, और एक हमारे बीच में एक डार्कनेस सर्कल है, ठीक, डार्कनेस वाला पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे देखिए, पहले वाले हम देख सकते हैं कि हमारे पास सात है, सात पार्ट है, दूसरे वाले में भी सात है, तीसरे में भी सात है, और एक एक हमारे पास डार्क सर्कल है, ठीक। देखिए पहले वाले में ही यहाँ पे है, ठीक, इस वाले पार्ट में है, दूसरे वाले में देखिए हमारा एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, ये हमारा समझ लीजिए जीरो पे है, ये हमारा एक स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक। फिर तीसरे वाले देखिए हमारा, देखिए पहले वाले जीरो समझ लीजिए, दूसरे वाले में एक बढ़ा, फिर तीसरे वाले में देखिए हमारा दो स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक, मतलब पहले वाले में जीरो स्टेप पे हमारा समझ लीजिए यहाँ पे है, तो दूसरे वाले फिगर में ये वाला हमारा जो सर्कल है ना वो हमारा दो एक स्टेप आगे बढ़ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक। तीसरे वाले में देखिए हमारा ये दो स्टेप आगे बढ़ गया, यहाँ पे था ना तो एक, ये दो यहाँ पे आ गया। ये पहले वाले में जीरो है, दूसरे वाले में एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, तीसरे वाले में दो, तो चौथे वाले हमारे तीन स्टेप आगे बढ़ेगा, तो ये वाला सर्कल हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पे। देखिए ये एक सर्कल है, कुछ छह सात पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा अभी कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए पहला वाला जीरो स्टेप पे था, दूसरा वाला एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर तीसरे वाले में दो स्टेप आगे बढ़ा दिया, तो चौथे वाले में तीन स्टेप आगे बढ़ेगा, तो यहाँ कहाँ पे होगा, ये वाला अभी यहाँ पे, तो एक दो तीन ये यहाँ पे होगा, तो हमें ऐसा फिगर चाहिए, ठीक। तो हम देखेंगे इसमें पहला वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला फिगर आप मैच कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 पे, तो क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे हम अच्छे से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 में पहले फिगर में क्या है हमारे पास, समझ लीजिए तीन स्ट्रेट लाइनें हैं, ठीक, और एक ऐसे बना है, तीन स्ट्रेट लाइनें हैं। दूसरे वाले में देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन तीन बढ़ दो स्ट्रेट लाइन बढ़ चुकी है, देखिए एक यहाँ पे बढ़ गई और एक इधर बढ़ गई, तो कितनी हो गई, एक दो तीन चार पाँच, ठीक। फिर हम देखेंगे कि इसमें फिर बढ़ गई है, इसकी यहाँ पे एक यहाँ पे और
यहाँ पे ये देखिए, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दो दो स्टेप आगे स्ट्रेट लाइन बढ़ रही है। इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो इसमें 9 हो गई, ठीक। और हमें शेप का भी बिल्कुल ध्यान रखा किस टाइप का होना चाहिए। देखिए पहला शेप किस टाइप का है, ऐसा बना है, ठीक। दूसरे वाले में क्या होगा, ऊपर साइड बढ़ चुकी है दो स्ट्रेट लाइन, ठीक। फिर तीसरे वाले में देखेंगे हम कि इसके नीचे साइड बढ़ गई है दो स्ट्रेट लाइन, ठीक। पहले वाला ये शेप था, दूसरे वाले में ऊपर की साइड दो स्ट्रेट लाइन बढ़ गई, तीसरे वाले में नीचे की साइड दो स्ट्रेट लाइन बढ़ गई, तो चौथे वाले में फिर ऊपर की साइड दो स्ट्रेट लाइन बढ़ जाएगी। इसलिए एक इधर बढ़ा लेंगे और इधर, ठीक। दो दो स्ट्रेट लाइन बढ़ानी है और अपोजिट टाइप में बढ़ानी है। ये हमने नीचे की साइड ऊपर की साइड बढ़ाई थी, इसमें नीचे, तो इसमें फिर ऊपर, तो इस टाइप का शेप हमें चाहिए। तो पहला वाला देखेंगे, ये हमारा बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। दूसरा वाला देखेंगे, ये हमारा करेक्ट है। देखिए शेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 9 है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। और इसका बिल्कुल शेप भी देखिए, हमने बनाया था ना जो, बिल्कुल सेम है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आप देखिए, यहाँ से देखिए, पहले वाले में देखिए आप, इधर और भी सिंबल है, ठीक। लेकिन पहले वाले से हम देखेंगे, इसमें हमारा एक है, दूसरे वाले ऊपर साइड देखेंगे दो है, तीसरे वाले ऊपर साइड देखेंगे हमारे तीन है, मतलब सीक्वेंस में चल रहा है। इधर एक है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन है। देखिए ऊपर वाले पहले में एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, तो चौथे वाले में कितने होंगे, चार। तो हमें ऐसा वाला फिगर ढूंढना है। देखिए पहले वाले में कितने, 1 2 3 4 5 6, ये रॉन्ग। दूसरे वाले में देखेंगे हम, 1 2 3 4 है, तो ये वाला हमारा करेक्ट है। देखिए पहले वाले में एक है, दूसरे वाले में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार होंगे।